मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। फेसबुक पर देखते हैं तो उसको लाइक करना ना भूलें। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों कहते हैं कि जो पत्रकार होता है ये हिंदुस्तान का जो है ये चौथे आस्थान पे है पत्रकार, और इनको जो है पत्रकारी जो होती है एक एक आईना होती है जो लोगों को सही और गलत का जो है एक फर्क बताती है और सही चीजें सामने खोलकर लेके आने की एक कोशिश इनकी रहती है हमेशा पत्रकार की। लेकिन जब शहर में पत्रकार ही नहीं सुरक्षित है तो उसके लिए पत्रकार या समाज जाएगा कहाँ। ऐसा ही आज एक घटना हुई है, फरार टाइम के जो रिपोर्टर हैं फिरोज हाशमी, आज जो यहाँ के कैंडिडेट हैं मुमरा कौसा के आम आदमी पार्टी के, उनके यहाँ पर अल्तमस जो कहा उनका नाम है अल्तमस, एक बुजुर्ग आदमी है, दाढ़ी टोपी एक उनका होलिया जो है एक अलग किस्म का है। लेकिन जब आज फिरोज हाशमी जो है उनके यहाँ पर एक इंटरव्यू के लिए गए और इंटरव्यू करने के टाइम पे जो है जब इंटरव्यू के लिए गए उनको वहाँ पर रुकाया गया और जो उनके साथ जो है एक हाथापाई की गई और उनको बंधक बना के कुछ देर तक रखा गया और उनको मारा गया, उनको काफ़ी मार भी लगी हुई है। वो इस वक्त उनका इलाज जो है शिवाजी हॉस्पिटल में चल रहा है। वो जो है अभी डॉक्टर कुछ कह नहीं सकते कि उनको कितना मार लगा है क्योंकि मामला कहीं ना कहीं गंभीर बताया जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि जब हमारे राजनेता और हम ऐसे लिबास वालों के ऊपर जब भरोसा करते हैं और इस तरीके से गुंडागर्दी से एक पत्रकार के ऊपर हाथ उठाते हैं तो ये समाज जाएगा कहाँ, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। मैं उनके बिल्डिंग का भी फोटो जो सीसीटीवी फोटो है वो भी दिखा रहा हूँ। आज मैं इलेक्शन कमिश्नर से जो है मैं गुजारिश करूंगा, मैं पत्रकार हूं और मुमरा करवा विधानसभा में जो उम्मीदवार अल्तमस फैजी जो आम आदमी पार्टी से उम्मीदवारी कर रहे हैं उनसे मैंने एक सवाल पूछा और वो सवाल का जवाब न देते हुए वो जो है मारने लगे, मेरा कॉलर पकड़ लिए, उनके साथ और भी लोगों ने मारा और मुमरा पुलिस स्टेशन से दो लोग आए हुए थे जो है सरडे और जो है सरडे साहब थे, PSI थे वो, और दूसरे जो है वड़तकर साहब थे। ये दोनों जन स्टेटमेंट देने आए लेकिन मैं जिस तरह से बोल रहा था स्टेटमेंट देने को वो स्टेटमेंट उस तरह से नहीं ले रहे थे। लेकिन मैं फिर कहूँगा इलेक्शन कमिश्नर से मुझे उम्मीद है कि इस पूरे मामले में वो तह तक जाँच करवाए और उसमें जो है कार्रवाई करवाए, क्योंकि जो अधिकारी जिस तरह से मेरा स्टेटमेंट ले रहा था मुझे कुछ ऐसा शक है कि वो डामा डोल कर रहा है या कुछ मिली भगत जैसी दिखाई दे रही है। तो इसलिए ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि ये इलेक्शन कमिश्नर तक जाए, इलेक्शन कमिश्नर इस पर जो है ठोस कदम उठाए, क्योंकि उम्मीदवार जो है अल्तमस फैजी वो काफ़ी जो है शक्ल से सीधे हैं मगर जो है
वो जिस तरह से रवैया, जिस तरह से हथकंडे अपनाया है, वो मुझे मारा है, और मारा ही नहीं, मुझे बंधक बना के रखा था, और बंधक बना के रखा था, मेरी मोबाइल तक वो छीन लिए थे, मुझे फ़ोन करने तक नहीं दिए, और मेरे कैमरे में जब तक कि किस तरीके से एक पत्रकार को जो है बंधक बना के घर के अंदर लेके गया, गुंडे लोगों के जैसा, एक इनकी होलिया देखिए, दाढ़ी टोपी कुर्ता इस तरीके से लिबास और गुंडे तरीके से काम करते हैं, तो आखिर ये आवाम पब्लिक कहाँ जाएगी, मुमरा कौसा में क्या हो रहा है, ये राजनेता क्या करना चाहते हैं, ये फैसला आने वाला वक्त जो है बहुत जल्द जो है चुनाव का एक वक्त नजदीक है, और ये फैसला जो है ये आवाम करेगी कि इनको ऐसे लोगों को, ऐसे कैंडिडेट को इनको कहाँ बिठाना है, ये तख्त पे बिठाना है कि इनको उतार के जो है ये तख्त के नीचे फेंकना है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।